bond and the types of bond in brick masonry. So what is actually bond, and then we will one by one learn about the different types of bond. We will study about the different types of bond in brick masonry. So what is actually bond? Bond is the arrangement of bricks in such a way that we can avoid the continuity of vertical joint in two adjacent courses, or we can break the continuity of vertical joints in two adjacent courses. That will be called as the bond. सो हम फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने, मैंने आपको दो जॉइंट के टाइप्स बताए थे, एक था आपको हॉरिजॉन्टल जॉइंट, दूसरा वर्टिकल जॉइंट, जैसे लाइक बेड जॉइंट एंड क्रॉस जॉइंट. तो बेड जॉइंट या हॉरिजॉन्टल जॉइंट कौन से होते हैं भाई? दो कोर्सेज के दरमियान जो भी हम जॉइंट प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी हॉरिजॉन्टल जॉइंट. फॉर एग्जांपल ये जो पूरा का पूरा जॉइंट है ना, ये लेयर ऑफ मॉर्टर है, इसको हम कहेंगे कि दैट इज दी हॉरिजॉन्टल जॉइंट और बेड जॉइंट. फर्स्ट कोर्स और सेकंड कोर्स के दरमियान जो भी लेयर ऑफ मॉर्टर है, जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज दी हॉरिजॉन्टल जॉइंट और बेड जॉइंट. इसके बरक्स दूसरा टाइप ऑफ जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज दी क्रॉस जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट. क्रॉस जॉइंट या वर्टिकल जॉइंट कौन से होते हैं? दो ब्रिक्स के दरमियान जो भी आप जॉइंट प्लेस करते हो या लेयर ऑफ मोटर प्लेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज दी क्रॉस जॉइंट और वर्टिकल जॉइंट. यहाँ पर देखें, ये स्ट्रेचर कोर्स है, ये हेडर कोर्स है, तो इसके दरमियान जो भी ये जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल जॉइंट. ये जॉइंट है, इसको वर्टिकल जॉइंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये जॉइंट है, इसको हम वर्टिकल जॉइंट कहेंगे या क्रॉस जॉइंट कहेंगे. सो इन क्रॉस जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं. अब देखें ना, ये एक प्रॉपर एग्जांपल है बॉन्ड का. यहाँ पर देखें, कहीं पर भी आपको वर्टिकल जॉइंट एक ही सक्सेसिव कोर्स में, कॉन्जिक्यूटिव कोर्स में एक ही डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोर्स और सेकंड कोर्स है, तो उसमें देखें यहाँ पर ये जॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ये जॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर अगर ये जॉइंट है तो यहाँ पर ये जॉइंट आ गया. सो हमने कंटिन्यूटी एक्चुअली यहाँ पर ब्रेक कर ली, दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड हेयर. लेकिन अगर बॉन्ड हम प्रॉपरली प्रोवाइड ना करें, ब्रेक ना करें, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि लेट मी ऑप्शन ओपन द पॉइंटर ऑप्शन. ये मैंने एग्जाम्पल दिया है एक दिस एग्जाम्पल, जिसमें मैंने हर कोर्स स्ट्रेचर का प्रोवाइड कर दिया है. देखें स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेचर. एक्चुअली ये एक फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेजनरी वॉल हमने बनाया है. अब क्या होगा अगर इस मेजनरी वॉल में यहाँ पर अगर लोड अप्लाई होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोड अप्लाई होगा, तो क्या होगा कि ये टोटल लोड जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस स्ट्रेचर कोर्स में आए, इस स्ट्रेचर ब्रिक पे आएगा, इस स्ट्रेचर ब्रिक पे आएगा, इस पे आएगा और इस पे आएगा. मींस टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर ए से ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके इस पर्टिकुलर टोटल स्ट्रेचर लेयर पे वर्टिकली. यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा. ये जो साइड वाले लेयर्स हैं, ये साइड वाले स्ट्रेचर ब्रिक्स हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा. और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि भाई ये टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर ये सारे स्ट्रेचर कैरी नहीं कर पाएंगे और लोड ऑफ द स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा. ये टोटल अगर डिफ्लेक्शन या सेटलमेंट होगी भी तो सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रेचर कोर्स है ये नीचे आ जाएगा, पूरा को पूरा यहाँ पर यहाँ तक नीचे आ जाएगा. बाकी जो साइड वाले स्ट्रेचर कोर्स हैं या दूसरे कोर्स हैं या लेयर्स हैं वो अपने सेम जगह पर रखेंगे. इसके बरक्स अगर हम अच्छा बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने बॉन्ड दे दिया और यहाँ पर अगर लोड आ रहा है, यहाँ पर अगर लोड आएगा तो क्या होगा कि टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर. लोड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर मेसनरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जस्ट लाइक अ साउंड वेव. ये इस लोड, फॉर एग्जाम्पल ये लोड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा, इस ब्रिक से फिर इसे ट्रांसफ़र होता जाएगा ओवरऑल कोर्स पे. तो अगर टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर इसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सक्सेसिव कंसेक्यूटिव कोर्सेज में या डाउनवर्ड कोर्सेज में, तो क्या हो जाएगा कि फेल्यूर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और फेल एक इवन जो हमारा ब्रिक मेसनरी स्ट्रक्चर है वो फेल होगा ही नहीं. तो इसलिए हम ये जो जॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं और वर्टिकल जो जॉइंट्स हैं उनकी कंटिन्यूटी को भी इसलिए ब्रेक करते हैं ताकि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अगर हम वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इन फोर्सेस पे आएगा जो इमीडिएटली उस लोड के बिलो होंगे. इसलिए हम ये जो जॉइंट हैं या बॉन्ड है प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोवाइडिंग द बॉन्ड. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉन्ड की तरफ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉन्ड आर एक्चुअली मेजर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉन्ड है कि to break the continuity of vertical joint, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. सेकंड इज टू इंश्योर द लैटिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर आप प्रॉपर्ली बॉन्ड प्रोवाइड करते हो उस मेसनरी स्ट्रक्चर में, तो उसकी लैटिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेंथ, दोनों डायरेक्शन वाली स्ट्रेंथ उनकी इंप्रूव हो जाती है. थर्ड इज टू इनेबल द स्ट्रक्चर टू एक्ट एज अ बाउंडेड मास एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली टू द फाउंडेशन. ये सेम बात जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाई कि भाई टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द फाउंडेशन. एंड फाइनली इज टू प्रोवाइड द प्लीजिंग अपीयरेंस बाय लेइंग ब्रिक्स और स्टोन सिमेट्रिकली. अगर बॉन्ड आप प्रॉपरली देते हो, कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड है, हम आगे चलकर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे जिसमें इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है और हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं वो पढ़ेंगे. कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड अगर आप प्रोवाइड करते हो, देते हो, तो that have a good pleasing appearance and good appearance of the masonry structure, that will provide a good appearance of the masonry structure. So ये हैं कुछ objectives of providing the bond. अब आते हैं types of bond की तरफ. तो ये different types of bond हैं जो हम one by one पढ़ेंगे, जिसमें आपका stretcher bond हो गया, header bond हो गया, English bond, Flemish bond, etc etc, ये सारे types of bond इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. one by one पढ़ते जाते हैं. पहले stretcher bond की तरफ आते हैं. stretcher bond is the type of bond in which all courses are laid as stretcher. वो बॉन्ड जिसमें हम सारे जो ब्रिक्स हैं वो स्ट्रेचर एज अ स्ट्रेचर ले करें, दैट विल बी कॉल्ड एज दी स्ट्रेचर बॉन्ड. यहाँ पर देखें ना, सारे के सारे ब्रिक्स जो हैं स्ट्रेचर ले किए हैं. ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है, सारे के सारे ब्रिक्स हैं ना स्ट्रेचर ले किए गए हैं. लेकिन इसमें एक बात है कि हम जो भी सक्सेसिव कोर्स है उसको हम हाफ ब्रिक बेड से स्टार्ट करवाते हैं. हाफ ब्रिक बेड से, ठीक है ना. ये जो ब्रिक है ना, इसको हम हाफ ब्रिक बेड बोलेंगे. ये जो ब्रिक है इसको हम हाफ ब्रिक बेड बोलते हैं. ये जो ब्रिक है इसको हम हाफ ब्रिक बेड बोलेंगे. ठीक है, जो सेकंड लेयर आप स्टार्ट करोगे तो वो हाफ ब्रिक बेड से स्टार्ट करते हो. द टाइप ऑफ बॉन्ड है, और जो ये टाइप ऑफ बॉन्ड है स्ट्रेचर बॉन्ड, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर 10 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल्स. या आप इसको क्या कह सकते हो, 4 इंच वाल. 4 इंच वाल जो होता है वो अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करते हो. 4 इंच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं. सो स्ट्रेचर बॉन्ड सिंपल है बिल्कुल. द वो टाइप ऑफ बॉन्ड या अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन विच वी प्लेस ऑल ब्रिक्स एज स्ट्रेचर, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेचर बॉन्ड. उसके बाद है हेडर बॉन्ड. द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स लेड इन सच अ वे दैट ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज द हेडर बॉन्ड. अगर हर कोर्स में हेडर लेयर आप हेडर ब्रिक आप प्लेस कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज दी हेडर बॉन्ड. यहाँ पर देखें, ये भी हेडर है आपका, ये ब्रिक भी हेडर है, सारे ब्रिक्स हेडर हैं. फर्स्ट लेयर में भी हेडर ब्रिक्स हैं, सेकंड लेयर में भी हेडर ब्रिक्स हैं, थर्ड लेयर में भी हेडर ब्रिक्स हैं, सारे के सारे हेडर ब्रिक्स हैं. लेकिन इसमें भी आपके स्ट्रेचर बॉन्ड की तरह हम जो भी सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे वो बेट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे थे, हाफ ब्रिक बेड से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 3/4 ब्रिक बेड से ही हम स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये जो है दैट इज़ 3/4 ब्रिक बेड, ये जो ब्रिक है दैट इज़ 3/4, दिस इज़ आल्सो 3/4 ब्रिक बेड. ठीक है, सो दैट इज़ दी हेडर बॉन्ड. एंड हेडर बॉन्ड की जो थिकनेस होती है ना वो नॉर्मली 20 सेंटीमीटर होती है. हेडर बॉन्ड वाल जो भी होता है उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर ही होती है, 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होती है, बिकॉज हेडर में टोटल जो टोटल ब्रिक है, लेंथ ऑफ ब्रिक है वो इन्वॉल्व हो जाता है. एंड टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक 90 सेंटीमीटर का होता है. 90 सेंटीमीटर में आप लेयर ऑफ मोटर अगर आप ऐड करोगे दैट विल बी 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर ब्रिक वाल के लिए या उससे ज़्यादा थिकनेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट हेडर बॉन्ड. हेडर बॉन्ड में ऑल हेडर हम प्लेस करते हैं, हेडर ब्रिक्स पे प्लेस करते हैं, लेकिन सक्सेसिव कोर्स को स्टार्ट करने के लिए या नेक्स्ट कोर्स को स्टार्ट करने के लिए हम 3/4 ब्रिक बेड यूज़ करते हैं. कोर्स जो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ वो तो आपको समझ आ रहा होगा ना. कोर्स क्या होता है, ईच लेयर ऑफ ब्रिक दैट विल बी कॉल्ड एज कोर्स. जो भी लेयर ऑफ ब्रिक होता है उसको हम कोर्स कहते हैं. जस्ट लाइक दिस इज़ फर्स्ट कोर्स, दिस इज़ सेकंड कोर्स, दिस इज़ थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, ईटीसी ईटीसी. सो दैट इज़ हेडर बॉन्ड. उसके बाद कहते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड. इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है भाई, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड इन अल्टरनेटिव कोर्सेज इज कॉल्ड एज इंग्लिश बॉन्ड. अल्टरनेटिव कोर्सेज में कैसे, कि भाई फर्स्ट लेयर में फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेडर कोर्स प्लेस कर रहे हैं तो सेकंड लेयर में हम स्ट्रेचर कोर्स प्लेस कर दें, तो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कहेंगे इंग्लिश बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये जो फर्स्ट लेयर है टोटल हेडर कोर्स का है, उसके बाद जो सेकंड लेयर है ये टोटल स्ट्रेचर का है, फिर थर्ड लेयर हेडर का आ गया, फिर फोर्थ लेयर स्ट्रेचर का आ गया. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज इंग्लिश बॉन्ड. एंड इन दिस बॉन्ड एवरी क्विंक द नेक्स्ट The layer of brick will start with a queen closer, and but after every queen header. क्वीन हेडर मीन्स जो एक्सटर्नल हेडर है, फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल हेडर है, इसके बाद हम क्वीन क्लोजर प्लेस करेंगे और उसके बाद फिर हम हेडर प्लेस करते जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये हेडर कोर्स है, तो हेडर कोर्स में हम पहले हेडर प्लेस करेंगे, हेडर प्लेस करने के बाद फिर क्वीन क्लोजर प्लेस करेंगे। ये फॉर एग्जांपल क्वीन क्लोजर हो गया, फिर इसी तरीके से फिर हम हेडर प्लेस करते जाएंगे, ऐसे हेडर प्लेस करते जाएंगे और नेक्स्ट कोर्स फिर इसी तरीके से आपका स्ट्रेचर का आ जाएगा। ये स्ट्रेचर का आ गया, ये स्ट्रेचर का आ गया, इस तरीके से हम वर्टिकल जॉइंट की जो कंटिन्यूटी है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें ये जो सेकंड होगा ना, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो हम प्लेस करेंगे दैट विल बी दी क्वीन क्लोजर। यहाँ पर हम प्लेस करेंगे क्वीन क्लोजर, क्वीन हेडर के बाद एक्सटर्नल हेडर के बाद हम क्वीन क्लोजर यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज दी इंग्लिश बॉन्ड। उसके बाद है भाई फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में फ्लेमिश बॉन्ड क्या है? द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड इन अल्टरनेटिव कोर्सेज इन दी अल्टरनेटिवली इन द सेम कोर्सेज। हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड अल्टरनेटिवली बट इन सेम कोर्सेज, मतलब कि भाई एक ही कोर्स में पहले आप स्ट्रेचर प्लेस करो, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, इस तरीके से। तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज फ्लेमिश बॉन्ड। यहाँ पर देखें ये हेडर है, फॉर एग्जाम्पल ये हेडर है तो ये स्ट्रेचर आ गया, ये हेडर है तो ये स्ट्रेचर आ गया, ये हेडर है तो ये नेक्स्ट इसका जो कोर्स होगा वो स्ट्रेचर का होगा। सो एक ही कोर्स में अगर आप एक ब्रेक आप स्ट्रेचर का लगाते हो, फिर हेडर का लगाते हो, दूसरा फिर स्ट्रेचर का, फिर हेडर का, एक ही कोर्स में। इंग्लिश बॉन्ड में हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा लेयर स्ट्रेचर का देके फिर दूसरा लेयर हेडर का दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही कोर्स में सेम कोर्स में आप पहले फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचर लगाओ, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्लेमिश बॉन्ड। डेफिनेशन में थोड़ा फर्क है। इंग्लिश बॉन्ड की डेफिनेशन यह है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड इन व्हिच हेडर एंड स्ट्रेचर आर placed in alternative courses that will be called as English bond, but Flemish bond की definition हो जाएगी the type of bond in which the header and stretcher are laid alternatively but in same course that will be called as the Flemish bond. ठीक है, इसमें भी है कि भाई every queen closer is placed after every queen header and to break the continuity of vertical joint. Same English bond की तरह हम queen closer place करते हैं every queen header. Queen header, queen क्या होता है? The external brick or external portion या external corner. And also the brick beds are provided in this Flemish bond. So that is the Flemish bond. यहाँ पर देखें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें देखें ये स्ट्रेचर आ गया, फिर ये हेडर दे दिया इन्होंने, फिर स्ट्रेचर दे दिया, फिर हेडर दे दिया, फिर स्ट्रेचर दे दिया। That type of bond will be called as the Flemish bond. Flemish bond के अब दो टाइप्स हैं, one is called as double Flemish bond and other is called as single Flemish bond. डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, पहले आते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड पे। और सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि भाई डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आर बोथ आर यूज्ड फॉर द ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्ट द ब्रिक्स हैविंग द थिकनेस मोर देन 20 सेंटीमीटर। जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो ऐसा वाल, तो उसके लिए हम डबल फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ करते हैं। सो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है क्या? द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच यू प्रोवाइड द फ्लेमिश बॉन्ड इन बोथ डायरेक्शंस या बोथ ऑन द फेस एंड बैक ऑफ द वॉल। दैट विल बी कॉल्ड एज द डबल फ्लेमिश बॉन्ड। मीन्स एक साइड से भी आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखे और दूसरे साइड से भी आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखे, तो उसको हम कहेंगे डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ये है इसकी फिगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि यहाँ से भी अगर इसको देखोगे तो यही आपको फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आएगा, और यहाँ से भी हम इसको अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आ रहा है। फ्लेमिश बॉन्ड में होता क्या है कि भाई हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। और यहाँ पर भी देखें, इस साइड से अगर हम इसको देख रहे हैं नेक्स्ट साइड से, तो ये हेड स्ट्रेचर हो गया, फिर हेडर इन्होंने प्लेस किया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, इस तरीके से। सो दोनों साइड से अगर आप इसको देखोगे डबल फ्लेमिश बॉन्ड को, तो दोनों साइड से आपको फ्लेमिश बॉन्ड नजर आएगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और सेंटर में फिर हम इसको ब्रिक बेट यूज़ करते हैं इसके सेंटर में। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्होंने ब्रिक बेट यूज़ किया, ये इनमें इसमें इन्होंने ब्रिक बेट यूज़ किया, ATC। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ bricks and this arrangement of breaking the continuity of vertical joint will be called as double Flemish bond. उसके बाद है single Flemish bond. Single Flemish bond is a type of bond in which when you see you will have the look of from one direction you will have the look of the Flemish bond, but from the other side you will have a look of the English bond. एक साइड से आप देखोगे तो आपको फ्लेमिश बॉन्ड नजर आएगा, दूसरी साइड से आपको इंग्लिश बॉन्ड नजर आए, तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। मींस एक साइड से फ्लेमिश बॉन्ड। फेसिंग में अगर आप फ्लेमिश बॉन्ड प्लेस कर रहे हो तो बैकिंग में इंग्लिश बॉन्ड आपका नजर आएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज दी फ्लेमिश बॉन्ड। और 1.5 ब्रिक वाल अगर आपको बनाना है 1.5 ब्रिक बाल, तो उसके लिए हम ये कॉमनली सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो ओरिएंटेशन है या फिगर कैसे हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर देखें ये स्ट्रेचर, पहले तो फ्लेमिश बॉन्ड की तरफ आते हैं। अगर इसी फिगर को आप इस साइड से देखोगे तो आपको फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आएंगे। फ्लेमिश बॉन्ड कैसे होता है भाई, स्ट्रेचर प्लेस किया, फिर हेडर प्लेस किया, फिर स्ट्रेचर प्लेस किया, फिर हेडर प्लेस किया, फिर स्ट्रेचर प्लेस किया, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेमिश बॉन्ड। और इस साइड से अगर आप इसको देखोगे तो ये इंग्लिश बॉन्ड आ जाएगा। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि भाई एक लेयर अगर आप स्ट्रेचर का प्लेस कर रहे हो तो दूसरा लेयर आप फ्लेमिश इसका हेडर का आप प्लेस करोगे। सो ये लेयर इन्होंने सारा का सारा प्लेस किया है, ये स्ट्रेचर का प्लेस किया है, और इसके नीचे अगर ये कोर्स प्लेस करेंगे तो वो हेडर का ही प्लेस करेंगे। सो ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है इसको हम कहेंगे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, बिकॉज फेसिंग में ये आपको फ्लेमिश बॉन्ड नज़र आ रहा है और बेकिंग में आपको ये इंग्लिश बॉन्ड नज़र आ रहा है, दैट इज़ दी सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वॉल बॉन्ड जो है ना वो सेम इंग्लिश वॉल बॉन्ड एंड जो फ्लेमिश वॉल बॉन्ड है उसी की तरह है, सिंपली इसको नाम दिया गया है इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड या फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अगर ये टाइप ऑफ बॉन्ड आप गार्डन में यूज़ कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ अ गार्डन, दैट विल बी कॉल्ड एज गार्डन वॉल बॉन्ड। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है इसका इंग्लिश बॉन्ड से या फ्लेमिश बॉन्ड से। हाँ, सिर्फ ये है कि इसकी जो हाइट है इसको हम लिमिट कर देते हैं 2 मीटर्स तक। इसकी जो हाइट है दैट इज़ लिमिटेड टू 2 मीटर्स। 2 मीटर से ज़्यादा आप इसकी हाइट नहीं रख सकते हो, इसलिए हम इसको कहते हैं गार्डन वॉल बॉन्ड। एक तो दैट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द बाउंड्री वॉल आर द वॉल इन अ गार्डन, and other it is limited, its height is limited to 2 meters. That's why that is difference between the English bond and Flemish bond. इसी तरीके से गार्डन वॉल बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड एंड फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अगर उस गार्डन वॉल में अगर आप इंग्लिश बॉन्ड यूज़ कर रहे हो तो वो इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड हो जाएगा, और अगर फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ कर रहे हो तो वो फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड हो जाएगा। बस सिंपल ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। Next type of bond is raking bond. Raking bond is the type of bond in which you place the bricks in an angle other than 90 degrees or 180 degrees. अगर किसी भी एंगल में आप ब्रिक्स को प्लेस कर दो other than 180 या 90 degrees, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेकिंग बॉन्ड। फिगर में आपको दिखा दूँ। अच्छा, रेकिंग बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, हेरिंग बोन बॉन्ड एंड डायगोनल बॉन्ड। बिकॉज हेरिंग बोन बॉन्ड भी हम एंगुलर किसी भी एंगल में ब्रिक को प्लेस करते हैं, इसमें भी हेरिंग बोन बॉन्ड में भी, और डायगोनल बॉन्ड में भी हम किसी भी एंगल में हम ब्रिक को प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेकिंग बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड द एंगल इज ऑफ रेक इज एडजस्टेड इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स, एंड जनरली द कोर्स ऑफ रेकिंग बॉन्ड इज प्रोवाइडेड एट अ रेगुलर इंटरवल इट 4 to 8 कोर्सेज इन हाइट ऑफ द वॉल इट इज। रेकिंग बॉन्ड में आपको पहले दिखा दूँ, दीज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ रेकिंग बॉन्ड, जिसमें ये जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ दी हेरिंग बॉन्ड का टाइप है, और जो सेकंड टाइप है दैट इज़ डायगोनल बॉन्ड का टाइप है। सो हेरिंग बॉन्ड क्या होता है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच दी वॉल्स हैविंग थिकनेस मोर देन 4 bricks, और इट इज़ आल्सो यूज्ड इन दी पेविंग ब्रिक्स। जो पेवर्स होते हैं ना, पेवर्स अगर आप बिछाते हो तो उनकी डायरेक्शन जो रखते हो वो हेरिंग बॉन्ड की तरह रखते हो, ये हेरिंग बॉन्ड है। देखे ना इस तरीके से, अगर आपने पेवर्स कहीं पर भी लगे हुए देखे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पेवर्स को हम इस तरीके से हम प्लेस करते हैं। सो हेरिंग बोन बॉन्ड दी ब्रिक्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर लाइन इन द बोथ डायरेक्शन, बट ये जो है ना इसका फॉर एग्जांपल ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ये इसका सेंटर लाइन हो जाएगा, तो सेंटर लाइन में हम एंगुलर प्लेस करते हैं बोथ डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में भी ये इन्होंने प्लेस कर दिया है और इस डायरेक्शन में भी इन्होंने प्लेस कर दिया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं हेरिंग बोन बॉन्ड। मीन्स बोथ डायरेक्शन में इन्होंने 45 डिग्रीज का एंगल दिया है, अगर सिंगल डायरेक्शन में 45 डिग्रीज का एंगल हो तो उसको हम डायगोनल बॉन्ड कहेंगे। देखिए यहाँ पर इस टाइप ऑफ बॉन्ड में सिंगल डायरेक्शन में इन्होंने ब्रिक्स ले की हैं, सिंगल डायरेक्शन 45 डिग्रीज पे इन्होंने ब्रिक्स ले की हैं, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल बॉन्ड। और अगर बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में सेंटर लाइन बिछा के दोनों डायरेक्शन में अगर आप 45 डिग्रीज पे आप ब्रिक्स ले कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे हेरिंग बोन बॉन्ड। सो हेरिंग बोन बॉन्ड एंड दी डायगोनल बॉन्ड आर बोथ द टाइप्स ऑफ दिस रेकिंग बॉन्ड एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है हूप आयरन बॉन्ड। हूप आयरन बॉन्ड इज सिंपली द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच यू प्रोवाइड हूप आयरन्स ऑफ 2.5 टू 4 सेंटीमीटर। हूप आयरन्स हम प्लेस करते हैं किसी भी बॉन्ड के ऊपर कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड आप यूज़ करो और उसके ऊपर हम हुप आयरन्स रख लें या आयरन जो कहते हैं आयरन वायर्स रख लें, तो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम सिंपली कहेंगे हुप आयरन बॉन्ड। एंड दिस इज जनरली यूज, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल, दैट विल बी द हुप आयरन बॉन्ड एक्चुअली। उसके बाद है मोनिक बॉन्ड। मोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच टू स्ट्रेचर एंड वन हेडर इज प्लेस्ड इन ईच कोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्सेज दैट इज कॉल्ड एज मोनिक बॉन्ड। देखें, ये स्ट्रेचर इन्होंने प्लेस किया, ये स्ट्रेचर इन्होंने प्लेस किया, फिर हेडर प्लेस किया इस तरीके से, फिर ये स्ट्रेचर यहाँ पर, फिर दोबारा स्ट्रेचर आ जाता, फिर यहाँ पर हेडर आ जाता, मीन्स टू स्ट्रेचर एंड वन हेडर, देन टू स्ट्रेचर एंड वन हेडर अगर हम किसी भी बॉन्ड में प्लेस करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज मोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में आते हैं डच बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच द हेडर एंड स्ट्रेचर आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली इन द डिफरेंट कोर्सेज, मीन्स फर्स्ट लेयर फॉर एग्जांपल हेडर का है, सेकंड लेयर स्ट्रेचर का, ये सारा सेम तरीके से इंग्लिश बॉन्ड की तरह हो जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एवरी कोर्स स्ट्रेचिंग कोर्स स्टार्ट्स विथ द 3/4 ब्रिक बेड विथ हेडर कंबाइंड, दैट विल बी कॉल्ड एज द डच बॉन्ड। ठीक है, अगर आप स्ट्रेचर कोर्स आप प्लेस करो और स्ट्रेचर कोर्स के में अगर आप हेडर एक हेडर प्रोवाइड कर दो हर स्ट्रेचर कोर्स के स्टार्टिंग में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द डच बॉन्ड। यहाँ पर देखें सारा का सारा हेडर कोर्स है, उसके बाद दोबारा स्ट्रेचर कोर्स है, फिर हेडर कोर्स है, स्ट्रेचर कोर्स है, ये तो इंग्लिश बॉन्ड हो गया। लेकिन इंग्लिश बॉन्ड से ये डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है? सिंपल यहाँ से इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है कि जो स्ट्रेचर कोर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें 3/4 ब्रिक बेट यूज़ करते हैं। ये जो बेट है इसको हम 3/4 ब्रिक बेट बोलेंगे। अगर ये जो है फॉर एग्जाम्पल इसको 3/4 ब्रिक बेट बोलेंगे, इसको 3/4, इसमें इसको 3/4 ब्रिक बेट। ठीक है, डच बॉन्ड में फ़र्क यही है, ये सेम इंग्लिश बॉन्ड की तरह है लेकिन अल्टरनेटिव जो स्ट्रेचर कोर्स हैं वो हम 3/4 ब्रिक बेट से स्टार्ट करते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डच बॉन्ड। भाई उसके बाद जो टाइप ऑफ बॉन्ड है दैट इज सिल्वर लॉक्स बॉन्ड। सिल्वर लॉक बॉन्ड्स में हम क्या करते हैं कि the type of bond in which the bricks are laid in alternate course in such a way that the headers are laid on bed, brick on bed position पे हो, headers की जो position हो वो brick on bed position पे हो, and the stretchers are laid on brick on edge position, laid on brick on edge position. You know very well that brick on bed position क्या होता है और brick on edge position को क्या होता है। So this position of brick is called as brick on bed position। ये जो इसमें first layer है for example top layer है, ये brick on bed position पे है लेकिन जो header है वो हमें visible हो रहा है। उसके बाद जो second course आ रहा है that is brick on edge। brick on edge क्या होता है? जिसमें stretcher को हम downward प्लेस करते हैं, दैट इज ब्रिक ऑन एज या ब्रिक ऑन साइड। सो फर्स्ट कोर्स में ब्रिक ऑन बेड प्लेस किया गया है, सिंपली हेडर कोर्स प्लेस किया गया है, और सेकंड कोर्स में जो ब्रिक ऑन एज का ब्रिक है वो हमने ब्रिक ऑन एज टाइप ब्रिक हमने प्लेस किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज द सिल्वर लॉक्स बॉन्ड। सिंपली फर्स्ट कोर्स अगर आप हेडर का प्लेस कर देते हो तो सेकंड कोर्स आप इस तरीके से प्लेस करोगे कि ब्रिक ऑन एज या ब्रिक ऑन साइड आपको विजिबल हो। यहाँ पर देखें ये ब्रिक ऑन एज आ गया, दिस टाइप ऑफ ब्रिक विल बी कॉल्ड एज ब्रिक ऑन एज। उसके बाद ये भी ब्रिक ऑन एज पे है, ये भी ब्रिक ऑन एज पे, ये भी ब्रिक ऑन एज, ये भी ब्रिक ऑन एज, सारे जो दूसरे कोर्सेज हैं वो ब्रिक ऑन एज पे आ गए हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज सिल्वर लॉक्स बॉन्ड। फर्स्ट जो लेयर है वो हेडर बॉन्ड का हो भले और ब्रिक ऑन बेड पोजीशन पे हो, और सेकंड लेयर जो है दैट इज़ ब्रिक ऑन एज पे हो, साइड पे हो, तो उसको हम कहेंगे सिल्वर लॉक्स बॉन्ड। सो ये तकरीबन हमने सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए हैं।